वेलकम टू दी ऑफिस सर। जैसे ही मुझे पता चला कि ऑफिस में नए बॉस आए, मैं फौरन बुके लेकर आ गया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन टेबल के नीचे क्या देख रहे हैं? सर वो आप मुझे दिखे नहीं तो। इसे टेबल के नीचे ढूंढ रहे थे? डस्टबिन में चेक नहीं किया क्या? नो सर, कोई डस्टबिन में कैसे हो सकता है? इस तरह टेबल के नीचे हो सकता है? किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी बॉस को टेबल के नीचे बैठे देखा है तुमने? नहीं सर। बाय द वे आई एम आदित्य सर। आदित्य, आदित्य खन्ना। यस सर। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। थैंक यू सर। यू वेलकम। तुम वही हो ना जो ऑफिस में कहते हो कि क्लाइंट के साथ हो, क्लाइंट को कहते हो कि ऑफिस में कुछ काम है इसके फंस गया हूं, मगर होते किसी तीसरी जगह हो। दुश्मन, दुश्मन है सर। इस ऑफिस में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्होंने आपके कान भरे हैं। मेरे कान क्या मटके हैं जिन्हें कोई भी भर सकता है? राइट सर, मेरा मुंह भी कान नल है। नथिंग सर। मैं आज डिनर पे आ रहा हूँ तुम्हारे घर। हैरानी हो रही होगी तुम्हें ना कि पहली बार मैं तुम्हें मिल रहा हूँ और तुम्हारे घर डिनर पे आ रहा हूँ। नो सर, बॉस तो एम्प्लॉयज के घर आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं उन आम बॉसेस में से नहीं, ये मेरा स्टाइल है। लोगों के घर जाना? नहीं, लोगों के घर जाकर कियारे चेक करना। कियारे? की रिजल्ट एरिया। लेकिन घर जाकर कैसे? एक इंसान जब अपने घर जाता है तो अपने घर को कैसे मैनेज करता है उससे उसकी मैनेजमेंट कैपेसिटी का पता चलता है, और घर आए मेहमान को जिस तरह से वो हैंडल करता है उससे उसकी क्लाइंट को हैंडल करने की स्टाइल पता चलती है। वाओ, कहां जाकर सोचते हैं आप? घर जाकर। और आज रात को तुम्हारे घर आकर सोचूंगा। आज रात को पता चलेगा कि तुम्हारा काम आउटस्टैंडिंग है, मोस्टली मीट एक्सपेक्टेशंस है, या बिलो एक्सपेक्टेशंस वाला काम है। राइट सर। सी यू देयर। ओके सर। कब से सुहानी को फोन कर रहा हूं, फोन ही नहीं उठा रही। हाय आदि। सुहानी, अरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। किसने कहा? अरे बॉस ने खुद कहा। अरे तुम मुझे क्यों नहीं बताया? अरे इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें बताने के लिए। नहीं आदि, मैं बॉस के साथ ही थी तो वो मुझे ही बता देते। अरे मेरे बॉस आ रहे हैं सुहानी। हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे बॉस तो कड़ी खिचड़ी खाते है ना, तो तुम खिचड़ी बना दो, मैं आकर 10 मिनट में कड़ी बना दूंगी। अरे सुहानी, वो कड़ी खिचड़ी वाले बॉस नहीं है, नए बॉस है, उनको खाने की कम और मेरी हॉस्पिटैलिटी चेक करने की ज्यादा पड़ी है। बेबी रिलैक्स, डोंट वरी, तुम मैनेज कर लोगे, मैं वैसे भी 7:30 तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा जल्दी आना। ओके बाय बाय। जूस पीता हूं। ये स्विच ठीक कराना ही भूल गया, बॉस ने जूस मांग लिया तो अभी ठीक करवाना पड़ेगा। हेलो। हेलो इलेक्ट्रिशियन, मैं आदित्य खन्ना बोल रहा हूँ, मेरे किचन का प्लग खराब हो गया, जल्दी से आ जाओ। अब वो तो आके सुधारना पड़ेगा साहब। वो तो मुझे भी पता है, कोई फोन पर थोड़ी ना प्लग सुधार सकता है, जल्दी से आ जाओ। अरे एड्रेस तो दीजिए, मेन स्विच ऑफ करके। मेन स्विच ऑफ क्यों करना पड़ेगा, एक ही प्लग खराब है, बाकी सारी लाइट्स ठीक है। नहीं नहीं साहब, ये तो मेरी भूलने की आदत है। आप जल्दी से एड्रेस SMS कीजिए, हम तुरंत पहुँच रहे हैं। ठीक है, कर दिया SMS। कितनी देर लगा दी यार इतने। यार अपने बॉस से पहले दिन फ्री हो जाते हो? नो सर, मुझे लगा कि इलेक्ट्रिशियन है। बिना देखे, बिना सामने वाले को मिले, अपने ही दिमाग में एक इमेज बनाकर खुद ही स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हो। बिलो एक्सपेक्टेशंस। मैं आ गया सर, मेन स्विच ऑफ करके। मेन स्विच ऑफ क्यों है, और अगर ऑफ है तो फिर ये लाइट्स ऑन क्यों? नहीं नहीं सर, ये इलेक्ट्रिशियन है। सर कहाँ का प्लग सुधारना है मेन स्विच ऑफ करके? अरे प्लग रिपेयर करने के लिए मेन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत,
और इलेक्ट्रिशियन? नो सर, मेन स्विच ऑफ करके इसका तकिया का लाम। किचन का प्लग खराब है, जाओ ना। किचन कहाँ है सर? बाहर जाइए। अच्छा। आइए ना सर, आइए बैठिए। सर वो क्या है कि दो तीन दिन से ना वो किचन का एक प्लग खराब था। दो तीन दिन से? पुअर मैनेजमेंट। नो सर, बस एक ही किचन का प्लग खराब है, बाकी घर के 23 प्लग बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट में करके चला जाए। बोर्ड को खोल के उसे वापस पैक करने में 10 मिनट लगेंगे, सुधारने का टाइम अलग, और तुम कह रहे हो 2 मिनट में चला जाएगा। सामने वाले के काम को समझे बिना ही तुम कमेंट करते हो, यानी बिलो एक्सपेक्टेशन। यस। अरे भैया थोड़ा जल्दी करो ना। भैया मतलब जो तुम्हारे साथ काम करते हैं उसका नाम भी तुम्हें पता नहीं है? इसका मतलब वेंडर्स के साथ पर्सनल रिलेशन में जीरो। नो सर, नाम पता है ना, क्या है? रमाकांत। अच्छा। रमाकांत जाते जाते वॉचमैन पांडे जी से राम नरेश पांडे जी, राम नरेश पांडे जी से कहना कि मोहित भैया के घर कैलाश प्लम्बर कैलाश चाटे, कैलाश चाटे को भेजे और अपने मालिक अशरफ भाई को मेरा सलाम कहना। गुड गुड, मीट एक्सपेक्टेशंस। आउटस्टैंडिंग नहीं सर। अपना क्या रे, खुद ही डिसाइड करोगे? नो सर। अरे क्या हुआ? अरे भैया, रमाकांत क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सॉरी, लाइट चली गई साहब। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन कैसे गई? गलत तार कट गया मेन स्विच ऑफ करके। अब क्या होगा? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो फ्यूज गया है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपका मीटर बॉक्स कहाँ है? बाहर है। बाहर है, फ्यूज बनाना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, बाहर जाओ और बनाओ ना मेन स्विच ऑफ करके। मेन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है साहब, वो तो पहले से ऑफ है। ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे ना, जल्दी जाओ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। और ये नीचे रखो, जाओ। आप इतना भड़क कर रहे हैं, जा रहा है ना सर? सर, सर मैं हूँ आदित्य। आदित्य देखिए। आई नो लेकिन मुझे लगा कि मेरे पैर पर से सांप रेंगता हुआ गया। I hate ground floors, you know. सर सांप नहीं, वो चूहा होगा। क्या? तुम्हारे घर में चूहे हैं? आदि, आदि? हाँ? हमारे घर की लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे वो फ्यूज उड़ गया है। कैसे? सुहानी लंबी कान, सबसे पहले इनसे मिलो, मेरे नए बॉस। हेलो सर। सर आप सोफे पे क्यों खड़े हैं? सुहानी वो इनके पैर पे से ना चूहा चला गया तो ये डर के ऊपर चले गए। आदि हमारे घर में चूहा नहीं है। What? इसका मतलब वो सांप ही था। अरे आप लोग जूते पहन के सोफे पे चढ़ते हैं मेन स्विच ऑफ करके? हमने मेन स्विच ऑफ नहीं किया है, लाइट चली गई थी। सुहानी इसी के कारण गई थी, ये इलेक्ट्रिशियन है। और मेरे कारण आ भी गई ना। हाँ हाँ करेक्ट। ये लो तुम्हारी पेमेंट और ये टिप। धन्यवाद साहब। और अशरफ भाई को मेरा सलाम कहना। अशरफ भाई? कौन अशरफ भाई? तुम्हारे मालिक रमाकांत। अरे उनका नाम इद्रेस है और मैं रमाकांत नहीं उमाकांत हूँ, ठीक है? रमाकांत। कान तो सही से याद था सर, उमा और रमा में माँ तो कॉमन है ना सर, और वॉचमैन का नाम मुझे याद है, राम शरण पांडे, राम नरेश पांडे आदि। हाँ वही सर, राम नरेश पांडे, सुबह तो वही कहा था ना सर। I'm really very sorry कि हमारी पहली मुलाकात ऐसी hot situation में हुई मिसेस खन्ना। सर आप मुझे सुहानी कह सकते हैं।
Okay. It's very nice to meet you. My pleasure as well. मैं आपके लिए डिनर रेडी करती हूँ. Okay, sure. आदि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ बॉस को अटेंड करो, मैं खाना बना लूँ. नो 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 नो, अगर उनके साथ रहा ना तो वो खाने के साथ ही घी चुपड़ कर मुझे टर्मिनेशन लेटर दे देंगे. थैंक गॉड तुम आ गई, कम से कम उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई. डिनर कर ले दो, फिर खुशी से नाच उठेंगे. वैसे क्या बना रहे हैं हम? मशरूम चटनी. क्या इंग्रेडिएंट्स? चने की दाल, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ, लाल कश्मीरी मिर्च, साबुत काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, ग्रेटेड कोकोनट, हल्दी, राई, कड़ी पत्ता, लहसुन, प्याज, बटन मशरूम, लाल मिर्च, नमक, इमली का पेस्ट और हरा धनिया. आदि हम ये खाना 3 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स उसी हिसाब से बढ़ेंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे चेटिनाड मसाला. चेटिनाड मसाला बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून चने की दाल, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 कप लाल कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 8-10 इलायची, 2-3 दालचीनी, 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/2 टीस्पून हल्दी. अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे. आदि अब इस भुने हुए मिक्सचर को ग्राइंड करना है. मैं कर दूं प्लीज. ओके. ये लो. अब इसमें डालो 1/2 कप पानी और इसका पेस्ट बना दो. हो गया. अब हम बनाते हैं मशरूम चटनी. अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई, 8-10 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून लहसुन, 1/2 कप कटा हुआ प्याज और अब इसे अच्छे से भून लेंगे. इसे भूनने के बाद इसमें डालेंगे 400 ग्राम कटे हुए बटन मशरूम. आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार. सुहानी, ये ग्राइंडेड मसाला कब डाल? अब लाओ. अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी. इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे ढककर कुछ देर के लिए पकने के लिए रख देंगे.
अब हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून इमली का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब इसे सर्व करेंगे। हो गया मशरूम चटनी रेडी। अब हम इसे गार्निश करेंगे ग्रेटेड कोकोनट और धनिया के पत्तों से। हो गया मशरूम चटनी रेडी। लग अच्छा रहा ना? आई जस्ट होप बॉस मशरूम खाते हैं। आदि, बनाने से पहले उनसे पूछ तो लेना था। अरे मैं जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ, सवाल क्या खाक पूछूंगा। डोंट वरी, सब ठीक होगा। तुम बॉस को लेकर आओ, मैं टेबल रेडी करती हूँ। ओह, मशरूम। I love mushrooms. सर, आप जब भी खुश होते हैं प्लीज स्माइल कीजिए ना, दिल बैठ जाता है। मेरी वाइफ मशरूम की 50 डिशेस जानती है और हर डिश डिलिशियस होती है। सर, इसमें कंपैरिजन की क्या बात है, सुहानी इज नॉट दैट ग्रेट अ कुक। आदि, सर प्लीज स्टार्ट कीजिए ना। ये क्या है? क्या है ये सुहानी, क्यों बनाया है? नहीं, अच्छा किया बनाया है, बहुत टेस्टी है। मैंने पहले कभी खाया नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर, ये मशरूम चटनी। अच्छा, कैसे बनता है ये? सर, मशरूम चटनी बनाने के लिए ना सबसे पहले एक मिनट, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सर, वो मशरूम चटनी बनाने के लिए ना, आधा किलो मशरूम चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम बटन मशरूम्स, एक टीस्पून राई, एक टीस्पून इमली का पेस्ट, आधा कप प्याज, एक टेबलस्पून लहसुन, 8 से 10 कड़ी पत्ते, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून साबुत धनिया, एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सौंफ, आधा कप कश्मीरी लाल मिर्च, एक टीस्पून साबुत काली मिर्च, 8 से 10 इलायची, 2 से 3 दालचीनी, आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, एक टेबलस्पून चना दाल, 3 टेबलस्पून ऑयल, नमक स्वाद अनुसार और धनिया के पत्ते। चटनी मसाला बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें डालें 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, आधा कप कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 8 से 10 इलायची, 2 से 3 दालचीनी, आधा कप कद्दूकस किया हुआ नारियल, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और इन सबको अच्छे से भून लें। फिर मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में डालें और आधा कप पानी के साथ उसे पीस लें। मेन डिश बनाने के लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, उसमें डालें 1 टीस्पून राई, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 टेबलस्पून लहसुन, आधा कप प्याज और उसे भून लें। फिर 400 ग्राम कटे हुए बटन मशरूम्स, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मशरूम को अच्छे से भून लें। उसके बाद डिश में डालें ग्राइंड किए हुए चटनीदार मसाले का पेस्ट और आधा कप पानी और लिड बंद करके डिश को कुछ देर के लिए पकाएं। उसके बाद उसमें डालें 1 टीस्पून इमली का पेस्ट और उसे चलाएं। डिश को सर्विंग बोल में निकाले और उसे गार्निश करे कद्दूकस किए हुए नारियल और धनिया के पत्तों से। एक इम्पोर्टेंट टिप, मशरूम को डालने के बाद उसे तब तक भूने जब तक कि उसका पानी सूख न जाए। ऐसा करने से मशरूम्स जल्दी पक जाते हैं। और इस तरह बना मशरूम चटनी। ये रेसिपी सुनकर मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। सर, नाउ शी नोज 51 वेज ऑफ मेकिंग मशरूम। आउटस्टैंडिंग। तुम्हारा किया रे तो हिट है। लेकिन इससे तुम्हारे जॉब में कोई फायदा नहीं होगा। आपने सुन लिया सर? हाँ, अपने एम्प्लॉयज के काम और बिहेवियर पर नजर रखने की सैलरी मिलती है मुझे। सर, मेरी रिपोर्ट क्या है? सर, एक्सक्यूज मी। सर 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 प्लीज, पहली मीटिंग में डिसीजन मत लीजिएगा। मैं पहली नजर में डिसीजन लेता हूँ। सर, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, मेरा मिड टर्म के आर ए बहुत अच्छा है। फाइनल गोल
अचीव करूंगा सर। हाँ सर, आदित्य बहुत एफिशिएंट है। हाँ वो तो मैंने देखा। नहीं एक्चुअली सर, आप पहली बार घर आए ना तो थोड़ा घबरा गया। सर वो न्यू ईयर बोनस का टाइम है, प्लीज थोड़ा कंसिडर कीजिए। यू नो तुम्हें बोनस में क्या मिलेगा? क्या सर? पीनट्स। स्ट्रेटजी बिलो एक्सपेक्टेशंस, मैनेजमेंट बिलो एक्सपेक्टेशंस, वेंडर के साथ रिलेशन मीट एक्सपेक्टेशन, और टीम वर्क आउटस्टैंडिंग। अभी मैंने देखा खाना बनाते हुए, कुकिंग के साथ रिलेशन आउटस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। सर अपने खाना बनाते हुए देखा? बिल्कुल देखा मैंने, और वो फाइनल टारगेट यानी कि वो मशरूम की सब्जी अचीव्ड सक्सेसफुल। थैंक यू सर। अगर बुरा ना माने तो आपकी तारीफ मुस्कुराकर भी कर सकते हैं। सर फोटोग्राफर आपसे बहुत परेशान होते होंगे ना? क्यों? स्माइल प्लीज करके थक जाते होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर आउटस्टैंडिंग।